सो यो हनी सिंह ने अपना फोर्थ स्टूडियो एल्बम ग्लोरी ड्रॉप कर दिया है और जब से ये एल्बम रिलीज हुआ है हनी पाजी के फैंस इस एल्बम के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है रिसेंटली मुझे इतना ज्यादा रिक्वेस्ट और किसी प्रोजेक्ट के लिए आया है जितना स्पेसिफिक इस एल्बम के लिए अभी तक आ गया है। सो हनी पाजी का ये एल्बम ग्लोरी ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है, मल्टीपल चार्ट्स पे इसके मल्टीपल ट्रैक रैंक कर रहे हैं, इवन ये एल्बम एप्पल म्यूजिक पे रैंक हो रहा है। जितना मैंने अभी तक इंटरनेट पे देखा है इस एल्बम को लेकर के मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग एल्बम को मिड बुला रहे हैं। सो ग्लोरी एक ऐसा एल्बम है जहां पे हमें हनी पाजी की राइटिंग तो देखने को नहीं मिली है क्योंकि पूरा एल्बम लियो घरेवाल ने लिखा है, पर बहुत सालों के बाद हमें हनी पाजी का प्रोडक्शन हनी पाजी के किसी प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहा है क्योंकि हनी पाजी का लास्ट एल्बम हनी 3.2 का प्रोडक्शन हनी पाजी ने नहीं किया था। लास्ट हनी पाजी का प्रोड्यूस्ड एल्बम था देसी कलाकार और उससे पहले उनका पहला एल्बम इंटरनेशनल विलेज जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। सो इस एल्बम को सुनने से पहले मैं हनी पाजी के म्यूजिक के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि कैसा म्यूजिक हमें देखने को मिलने वाला है हनी सिंह के साइड से, और एग्जैक्टली मैंने एल्बम सुन लिया है, मुझे पता है कैसा म्यूजिक है और मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा कैसा म्यूजिक है, बट अभी नहीं, वेट करो, पहले हम पूरा एल्बम वॉक थ्रू करेंगे, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें पूरा ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा, मुझे ये पूरा ओवरऑल एल्बम कैसा लगा, एल्बम में मल्टीपल फीचर्स है, फीचर आर्टिस्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, एल्बम में बहुत टाइप के गाने हैं, हिंदी ट्रैक्स है, इंग्लिश है, पंजाबी है, इवन हरियाणवी भी हनी पाजी ने कर रखी है, सारे ट्रैक मुझे कैसे लगे, पूरा एल्बम का ओवरऑल वाइब कैसा है, सारे के सारे गाने कैसे हैं, ओवरऑल एल्बम कैसा है, सब कुछ तुम्हें जानने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते रिव्यू, लेट्स बिगिन। यू नो आई गेट सर्द सी जो सारे अपसेट है, लाइफ पूरी सेट है, गलती था कोई पर्सनल जेट है, यू नो माई, यू नो आई गेट सर्द सी जो सारे अपसेट है। सो दिस वाज आवर सॉन्ग ऑफ द डे। सो अगर तुम लोग को हनी पाजी के गाने पसंद है ना, तो इस अपकमिंग आर्टिस्ट के गाने भी डेफिनेटली 110% पसंद आने वाले हैं। इस आर्टिस्ट का नाम है डी कैली और भाई ने रिसेंटली ही अपना ये सिंगल ड्रॉप किया है जिसका नाम है पर्सनल जेट, एंड आई लव दिस सॉन्ग। इस गाने में तुम लोग को अर्बन कैची वाइब देखने को मिल जाएगी। इवन मैंने भाई का लास्ट सॉन्ग भी चेक किया जिसका नाम है तेरिया गल्ला, वो भी बहुत ज्यादा कैची लगा। दिस आर्टिस्ट इज इवॉल्विंग एंड ड्रॉपिंग गुड सॉन्ग। सो इस गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, भाई को इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड सो हिम सम लव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एल्बम के पहले ट्रैक से जिसका नाम है मिलियनर। ये हनी पाजी का सोलो ट्रैक है, एल्बम का पहला ट्रैक है और ये ऐसा ट्रैक है जिसका हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा ना दिस इज टिपिकल यो हनी सिंह ट्रैक, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हम लिरिक्स में जाए तो लिरिक्स में तुम्हें फ्लेक्स लिरिक्स देखने को मिल जाएगी। हनी पाजी अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, इवन म्यूजिक वीडियो में भी तुम्हें वही देखने को मिल जाएगा, बट जो इसमें रैप पार्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। हमें प्रॉपर हार्डकोर रैप देखने को मिला है हनी पाजी के साइड से, एंड इवन इस ट्रैक में हनी पाजी ने बादशाह और रफ्तार पे मे बी आई थिंक उन्हीं के ऊपर शॉट्स भी ले रखा है। अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, म्यूजिक प्रोडक्शन इज रियली रियली गुड, ओवरऑल गाना मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा, म्यूजिक वीडियो भी बहुत ही बढ़िया है। ओके, हम चलते हैं एल्बम के सेकंड ट्रैक में जिसका नाम है जट मैकमा। सो दिस इज अ ठेठ पंजाबी सॉन्ग बाय यो हनी सिंह। इस गाने में तुम्हें थोड़ी सी विंटेज वाइब आएगी। अगर तुमने इंटरनेशनल विलेजर सुन रखा है ना, तो उसमें जैसे पंजाबी गाने हनी पाजी के होते थे वैसी वाइब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इवन प्रोडक्शन भी है ना वो थोड़ा ओल्ड स्कूल तुम्हें देखने को मिलेगा। गाने की वाइब मुझे अच्छी लगी, कंपोजिशन इज रियली गुड, म्यूजिक स्पेशली मुझे बहुत प्यारा लगा। पूरा गाना पंजाबी में है, ठेठ पंजाबी में है, और अगर तुम पंजाबी हनी सिंह के पंजाबी गाने सुनते हो डेफिनेटली ये ट्रैक तुम लोग को पसंद आने वाला है। अगेन अ गुड सॉन्ग। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एल्बम के थर्ड ट्रैक में, एंड दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। गाने का नाम है हाई ऑन मी फीचरिंग तलविंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ट्रैक की प्रोडक्शन की, जो मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगी। भाई इतनी हाई एनर्जी हमें देखने को मिली है प्रोडक्शन में, हनी पाजी नेल्ड इट। उसके साथ साथ तलविंदर हमें हुक पार्ट में देखने को मिले हैं, तलविंदर की सिंगिंग हमें इस ट्रैक में देखने को मिली है, एंड ही ब्लेंडेड हिमसेल्फ रियली वेल इन दिस ट्रैक विद हनी पाजी। अगेन हनी पाजी का हमें इसमें प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप वाला वर्जन देखने को मिला है, प्रॉपर रैप करते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, राइटिंग में लियो गरेवाल को हम कैसे भूल सकते, ही ऑल्सो डिड रियली गुड जॉब। ओवरऑल ये गाना मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा, स्पेशली मैं चाहता हूं ना इस गाने का म्यूजिक वीडियो जरूर ड्रॉप हो, और मुझे लगता है ड्रॉप होगा, डेफिनेटली ड्रॉप होगा। ओवरऑल बढ़िया ट्रैक था एंड वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम।
ओके, हम लोग आ जाते हैं एल्बम के अगले ट्रैक में जिसका नाम है एफ देम फीचरिंग लियो गरेवाल। सो अगर तुम लोगों ने हनी बाजी का ट्रैक रात जसंदी सुना है ना, तो एग्जैक्टली वैसा ही म्यूजिक हमें इस ट्रैक में देखने को मिलता है, वही वाइब तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिल जाएगी। हनी बाजी का जो फ्लो है या फिर जो अप्रोच है फ्लो में, वो बहुत ही डिफरेंट है। इस ट्रैक में जिसने स्टैंड आउट किया मेरे लिए वो है लियो गरेवाल। हनी पाजी ने अपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हनी पाजी ने स्टार्ट में लियो गरेवाल का वर्स लास्ट में ऐड कराया था, और भाई लियो पाजी के वर्स ने ना भाई इस ट्रैक को अपलिफ्ट कर दिया, इस ट्रैक की जो लूप वर्दीनेस थी ना उसको बढ़ा के रख दिया। पहली बार जब मैंने लियो गरेवाल का वर्स सुना था ना, तो मुझे लगा था भाई ये कोई डिफरेंट आर्टिस्ट है, लियो गरेवाल जैसा बिल्कुल साउंड नहीं कर रहे, बट इस ट्रैक की जो वाइब है ना वही उस तरीके की क्रिएट की गई है, कंपोजिशन ही डिफरेंट रखा गया है, जो कि इवन हनी पाजी के वोकल्स भी उसी तरीके से साउंड कर रहे हैं एंड लियो गरेवाल की भी उसी तरीके से साउंड कर रहे हैं। ओवरऑल एक बहुत ही डिफरेंट ट्रैक था, म्यूजिक वाज सिमिलर टू रात जसंदी, ठीक है, तो तुम्हें एक विंटेज हनी सिंह वाइब एंड कुछ नया का ब्लेंड देखने को मिलेगा इस ट्रैक में। हनी पाजी ने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि वो इस ट्रैक में शॉट्स लेंगे, पर मुझे वैसा शॉट्स इसमें नजर नहीं आया। मिलियनर में जरूर शॉट्स है, बट इस ट्रैक में मुझे वैसा नजर नहीं आया। ओवरऑल अगेन गुड सॉन्ग। ओके, हम लोग चलते हैं अब एल्बम का अगले ट्रैक पे जिसका नाम है बोनीता फीचरिंग द सम्स। तो द सम्स दिल्ली के डुओ है, इनको मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डिस्कवर किया था, इन्होंने कोई गाने का कवर बनाया था, फिर मैंने इनको सुना था एंड दे आर गुड, ठीक है। सो अगर हम इस ट्रैक बोनीता की बात करें ना, तो इसमें हनी पाजी ने थोड़ी कवाली वाली वाइब देने की कोशिश करी है। सो अगर तुम लोगों ने कवाली म्यूजिक सुना है या फिर बॉलीवुड में भी जो कवाली टाइप की म्यूजिक होती है ना, तुम्हें एग्जैक्टली वैसी वाइब यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड दी सैम्स के साइड से भी जो हमें हुक पार्ट देखने को मिला है ना, वो भी काइंड ऑफ एग्जैक्टली कवाली टाइप की वाइब जो है वो क्रिएट कर रही है। हनी पाजी का जो वर्स है वो हार्डकोर वर्स है, म्यूजिक इज रियली रेजफुल एंड रियली गुड, एंड ओवरऑल अगेन अ रियली डिफरेंट ट्रैक एंड गुड ट्रैक भाई। अगर तुम कुछ डिफरेंट हनी सिंह का म्यूजिक सुनना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये ट्रैक पसंद आएगा, मतलब एल्बम के तुम्हें सारे ट्रैक ही पसंद आएंगे, ठीक है। और अगर तुम वही पुरानी स्टाइल की म्यूजिक सुनना चाहते हो, पुरानी चीजें सुनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें इस एल्बम से बहुत ही लिमिटेड गाने ही है जो तुम्हें पसंद आने वाले हैं, बट फॉर मी अगेन दिस इज अ गुड सॉन्ग। ओके, चलते हैं एल्बम अगले ट्रैक जिसका नाम है हाइड इट। दिस इज अ लो-फाई आरएनबी काइंड ऑफ मेलोडिक ट्रैक, जहां पे हमें हनी सिंह की आरएनबी साइड मेलोडिक साइड देखने को मिली है। सो ऐसे वाइब के गाने इस एल्बम में बहुत ही कम है, लाइक मुझे लगता है कि एक दो ट्रैक ही है जहां पे हनी सिंह ने मेलोडिक साइड, प्रॉपर मेलोडिक साइड एक्सप्लोर किया है, ठीक है। ओवरऑल ये भी बढ़िया गाना था, कंपोजिशन वाज रियली गुड, मेलोडी अच्छे थे, प्रोडक्शन वाज नाइस, बट काइंड ऑफ ये ऐसा ट्रैक है ना जिसको मैं पर्सनली शायद दोबारा ना सुनूं या फिर मैं ज्यादा ना सुनूं, ठीक है, बट ट्रैक उतना भी बुरा नहीं है, इट वाज ओकेश ट्रैक, ठीक है। सो हाँ, यही है भाई। ओके, चलते हैं हम अगले ट्रैक में जिसका नाम है माला माल, और इसमें हमें फीचर देखने को मिला है यीना मेनेस का। सो यीना मेनेस एक कोलंबियन सिंगर है जो करेंटली यूरोप में रहती है, एंड हनी बाजी का आई थिंक अप्रोच इस ट्रैक को लेकर के ये है कि इस ट्रैक को मे बी इंटरनेशनली पुश किया जाएगा, ठीक है। अगेन इस ट्रैक की जो वाइब है वो एक क्लब सॉन्ग वाली वाइब है, क्लब बैंगर वाली वाइब है, और बहुत हद तक हनी पाजी मतलब जिस अप्रोच के साथ इस ट्रैक को बनाने की कोशिश करी गई है उस अप्रोच में सक्सेसफुल भी हुए हैं। ट्रैक की म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट है, यीना की जो वर्स है या फिर यीना का जो पार्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, कैची है, एंड इवन हनी पाजी ब्लेंडेड हिमसेल्फ रियली वेल इन दिस होल ट्रैक। ओवरऑल अगर तुम हनी पाजी के क्लब बैंगर सुनना पसंद करते हो, दिस सॉन्ग इज फॉर यू। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है राउंड्स एंड रिंग्स। इसमें फीचर देखने को मिला है नवन संधू और बोनाफाइड का। सो नवन संधू की फीचर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, नवन संधू को मैंने रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया है एंड आई लव्ड हिज म्यूजिक। उनका जो वोकल टेक्सचर है, उनकी जो वाइब है ना बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही फ्रेश है, ठीक है, और एग्जैक्टली वही वाइब उन्होंने इस ट्रैक में भी दी है। हिज वर्स इज रियली गुड, हिज पार्ट आई लव्ड इट, लाइक नवन संधू का जो पार्ट था वो मेरा फेवरेट पार्ट था इस पूरे ट्रैक में। इवन हनी पाजी का पंजाबी वर्स बहुत ही बढ़िया है, बोनाफाइड का हमें इंग्लिश वर्स देखने को मिला है, एंड ही ऑल्सो ब्लेंडेड हिमसेल्फ गुड इन दिस ट्रैक, बट फॉर मी इन दिस ट्रैक नवन संधू शाइंड भाई, ही डिड रियली रियली गुड जॉब। नवन संधू के लिए मैं डेफिनेटली ये गाने को दो बार तीन बार लूप पे प्ले करने वाला। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है लापता फीचरिंग फो। सो फो एक बहुत ही टैलेंटेड अंडररेटेड सिंगर है, ठीक है, और इस एल्बम के लिए मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ना, क्योंकि इस एल्बम में हमें बहुत ही अंडररेटेड सिंगर्स देखने को मिलने वाले हैं एंड फो इज वन ऑफ देम। इस गाने में तुम्हें थोड़ी सी बॉलीवुड वाइब देखने को मिलेगी, बट बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलीवुड वाइब देखने को मिलेगी। कंपोजिशन इज रियली गुड, फो ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से कंपोज किया है एंड हर लिरिक्स इज ऑल्सो रियली गुड। हनी पाजी का जो वर्स था ना वो भी अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल दिस इज अ गुड सॉन्ग।
ओके चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है पायल, जिसपे फीचर है पैराडॉक्स का। आई थिंक ये पूरा गाना पैराडॉक्स ने ही लिखा है हनी पाजी के लिए। अगर मैं गाने की बात करूं, गाने की वाइब अच्छी है, कंपोजिशन बढ़िया है, हनी पाजी ने जो सिंगिंग करी है दैट हैज अ रियली गुड वाइब टू इट। बट फॉर मी जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे वो था पैराडॉक्स का रैपिंग पार्ट। भाई क्या प्यारा रैप कर रहा है पैराडॉक्स ने। भाई जब मैं ये सुन रहा था आई वॉज लाइक पैराडॉक्स भाई आप गाने क्यों नहीं निकाल रहे हो, भाई अगर आप ऐसे गाने बना सकते हो तो भाई गाने निकाला करो, ठीक है, मिस कर रहे हैं लोग आपके गाने के लिए। ओवरऑल दिस वॉज अगेन अ गुड सॉन्ग। एंड वन मोर थिंग जो मैंने मिस कर दिया, भाई इस गाने का प्रोडक्शन, भाई क्या क्रेजी प्रोडक्शन करा है हनी पाजी ने। अगेन इंट्रोडक्शन में हनी पाजी ने बताया था कि इस गाने में हमें डांस हॉल बीट देखने को मिलेगा जो कि हिंदुस्तानी डांस हॉल बीट रेफर किया गया था। जो भी बीट है भाई बहुत ही प्यारा प्रोडक्शन है, भाई प्रोडक्शन दिल जीत रहा है इस एल्बम का, ठीक है। हनी पाजी इतने टाइम के बाद प्रोडक्शन में आए हैं एंड ही इज किलिंग इट भाई, इज प्रूविंग व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इन DHH, इंडियन म्यूजिक सीन। DHH छोड़ दो, इंडियन म्यूजिक सीन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन था, बढ़िया गाना था। ओके चलते अगले ट्रैक में, इसका नाम है कैलेंडर। सो दिस इज अ टिपिकल कमर्शियल हनी सिंह सॉन्ग, म्यूजिक प्रोडक्शन अगेन कमर्शियल वाइब वाली म्यूजिक प्रोडक्शन है, लिरिक्स भी तुम्हें कमर्शियल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड ट्रैक में हॉटनेस है, हनी पाजी का कमर्शियल फ्लेवर है, और ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। ओवरऑल अगर तुम कमर्शियल म्यूजिक सुनना पसंद करो तो डेफिनेटली ये गाना तुम लोग को पसंद आने वाला है। और हाँ अगर तुम मेरी बात करो तो मेरे लिए गाना थोड़ा ज्यादा ही जेनरिक हो गया था, मैं थोड़ा डिफरेंट हनी पाजी को इस एल्बम में ढूंढना चाह रहा हूँ, और जिस ट्रैक में मुझे थोड़ी डिफरेंट हनी पाजी देखने को मिल रहा है ना वो ट्रैक मुझे ज्यादा ही पसंद आ रहा है। ओके हम आ जाते हैं एल्बम के अगले ट्रैक में, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस एंटायर एल्बम। गाने का नाम है 6 AM। दिस स्पेसिफिक सॉन्ग हैज अ रियली यूनिक वाइब टू इट, एक ऐसा फ्लेवर, एक ऐसा साउंड जो कि नया भी है, पुराना भी है, पता नहीं मतलब कैसा साउंड है, बस सुनने में अच्छा लग रहा है भाई मुझे। जब मैंने ये ट्रैक पहली बार सुना था ना, पहली बार में इस गाने का कंपोजिशन वाइब मुझे पसंद आ गई थी। इवन म्यूजिक प्रोडक्शन इज रियली रियली गुड, ठीक है। जो पंजाबी वर्ड्स, पंजाबी लिरिक्स हनी पाजी के साइड से हमें देखने को मिले हैं बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल दिस इज अ बैंगर सॉन्ग भाई, दिस इज अ 10/10 ट्रैक भाई, लेट्स गो। इवन इस गाने में तुम्हें हनी पाजी का इमोशन भी देखने को मिल जाएगा, अगर तुमने यार बथेरे सुन रखा है ना तो वैसे ही हनी पाजी चीखते हुए तुम्हें नजर आ जाएंगे। सो एक बहुत ही डिफरेंट इमोशनल राइड भी तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिल जाएगा। मे बी ये भी एक रीजन है जिस वजह से मुझे ये ट्रैक बहुत ज्यादा पसंद आया। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रैक है। अगर ये ट्रैक तुमने नहीं सुना इस एल्बम से ना, मैं तो बोलूंगा अगर तुमने एल्बम नहीं सुना है अभी कोई बात नहीं है, बट ये ट्रैक मिस मत करना, कोई बात नहीं है, मतलब एल्बम सुन लेना, बट ये ट्रैक तो भाई स्पेशली जरूर सुनना भाई, बहुत बढ़िया है। करेंटली इस एल्बम से ये मेरा फेवरेट ट्रैक है। ओके चलते अगले ट्रैक में, इसका नाम है मजनू, जिसमें फीचर हमें देखने को मिला है जमाइला का। सो ये ट्रैक है मजनू, ये एक्चुअली लैला मजनू वाले मजनू के बारे में ही है। ओवरऑल दिस इज अगेन अ रियली गुड ट्रैक, अरबिक ब्लेंड है जो कि अच्छा लग रहा है सुनने में, और एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर क्रिएट कर रहा है, एक बहुत ही डिफरेंट वाइब क्रिएट कर रहा है, और एक यूनिकनेस इस ट्रैक में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्शन इज ऑल्सो रियली गुड, फीचर इज ऑल्सो गुड, ओवरऑल गुड सॉन्ग। ओके चलते एल्बम के अगले ट्रैक पे, इसका नाम है सीसे वाली चुन्नी और आर्टिस्ट है ग्रीक अमन। सो मुझे याद है 2013-14 के आसपास ग्रीक अमन को मैंने पहली बार सुना था साड़ी वाली गर्ल में, और दूसरी बार मैं सुन रहा हूँ सीसे वाली चुन्नी में। भाई इतने साल तक आप कहाँ थे, ठीक है, मतलब गाने ड्रॉप कर रहे होंगे, बट मेरी गलती है शायद, मैंने नहीं सुना, ठीक है। और भाई उतने टाइम से मैंने इनको नहीं सुना था, बट इस ट्रैक में मुझे एग्जैक्टली वो साड़ी वाली गर्ल वाली वाइब आई, ठीक है। अगर हम बात करें इस ट्रैक की, ओवरऑल ट्रैक वॉज गुड, ग्रीक अमन ने अच्छा परफॉर्म किया है, हनी पाजी का वर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, म्यूजिक प्रोडक्शन इज रियली गुड। बट आई थिंक ये गाना सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो लोग ग्रीक अमन को सुनते हैं, इस टाइप की म्यूजिक को पसंद करते हैं, उन्हें डेफिनेटली पसंद आने वाला है। पर्सनली मुझे भी ये ट्रैक उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ओके चलते अगले ट्रैक में, इसका नाम है समान दे वेले और इसमें फीचर देखने को मिला है लियो गरेवाल का। सो अगर हम इस ट्रैक की बात करें ना, दिस सॉन्ग इज अगेन लेड बैक, थोड़ी सी मेलोडिक वाइब है इस ट्रैक में। लियो गरेवाल का वर्स जो हमें देखने को मिला है, जो पार्ट हमें देखने को मिला, मतलब मोस्टली लियो गरेवाल का ही पार्ट है, हनी पाजी का फीचर तो काइंड ऑफ इसे बुला सकते हो, ठीक है। एंड ही डिड रियली गुड जॉब, वाइब अच्छी है ट्रैक की, प्रोडक्शन इज रियली गुड, ओवरऑल गुड सॉन्ग। ओके चलते हैं अगले ट्रैक में, जिसका नाम है बीबा, जिसमें हमें फीचर देखने को मिला है लायंग और वाइब बुक्ति का। अगेन भाई इस ट्रैक का जो प्रोडक्शन है, क्या प्रोड्यूस किया है हनी पाजी ने, बहुत ही क्रेजी प्रोडक्शन देखने को मिला है। वाई बुक्ति ने इसके पहले कुक स्टूडियो में परफॉर्म कर रखा था, ही हैज रियली रॉ ओरिजिनल वोकल्स, और हमें एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। लायंग का भी वर्स वाज गुड, ठीक है। ओवरऑल एक बहुत ही डिफरेंट ट्रैक विथ अ वेरी यूनिक प्रोडक्शन, बहुत ही यूनिक ट्रैक लगा मेरे को। ओके आ जाते हैं एल्बम के सेकेंड लास्ट ट्रैक में, जिसका नाम है छोरी और इसमें फीचर है
पैराडॉक्स का. सो दिस इज अ रियली फन ट्रैक. प्रोडक्शन इज अगेन रियली गुड. बहुत ही कैची प्रोडक्शन है ट्रैक का. हनी बाजी का जो वॉर्स है हमें इसमें हरियाणवी में देखने को मिला है, ठीक है. एंड ओवरऑल वेरी फन ट्रैक, बहुत ही बढ़िया ट्रैक लगा मेरे को. और ओवरऑल बढ़िया काम है भाई, इवन हनी बाजी के साइड से भी, पैराडॉक्स के साइड से भी, ओवरऑल इट वॉज अ गुड सॉन्ग. ओके, आ जाते एल्बम के लास्ट ट्रैक पे जिसका नाम है रैप गॉड. इस ट्रैक में भी फीचर देखने को मिला है हैंडलेस और मानवी का. अगर हम इस पूरे ट्रैक की बात करें, ट्रैक वॉज गुड, अगेन वेरी यूनिक ट्रैक, प्रोडक्शन वॉज रियली गुड. बट इस ट्रैक में जो मुझे एक चीज बहुत ही सही लगी, जिस चीज ने स्टैंड आउट किया, वो था इस ट्रैक में जिस तरीके से एक लोकल म्यूजिक को फ्यूज किया गया है, दैट पार्ट वॉज रियली गुड. ऐसे म्यूजिक या फिर ऐसे फ्यूजन हमें मोस्टली कुक स्टूडियो में देखने को मिलते हैं. सो अगेन दिस वॉज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रैक. एंड अगेन भाई शाउट आउट टू हनी सिंह की अगेन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. एंड ओवरऑल सॉन्ग वॉज गुड. ओके, सो ये कर लिया हम लोगों ने एल्बम के सारे ट्रैक को वॉक थ्रू, सारे ट्रैक के बारे में डिस्कस. अब हम आ जाते हैं एल्बम के प्रॉपर रिव्यू में. स्टार्ट करते हैं एल्बम के म्यूजिक के साथ. सो हनी बाजी हमें बहुत टाइम के बाद म्यूजिक प्रोडक्शन में कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है. दिस वॉज अ रियली वेल प्रोड्यूस्ड एल्बम. इस एल्बम में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्शन देखने को मिले हैं. प्रॉपर हार्डकोर प्रोडक्शन भी है, थोड़े R&B प्रोडक्शन देखने को मिले हैं, डांस हॉल बीट है, ठीक है. एंड इवन तुम्हें थोड़ी सी विंटेज पंजाबी में पहले जो गाने हुआ करते थे उसमें जो प्रोडक्शन देखने को मिला था, वैसे प्रोडक्शन देखने को मिल जाएंगे. हनी बाजी ओवरऑल इम्प्रेस्ड मी अ लॉट विथ हिज म्यूजिक प्रोडक्शन. और हनी बाजी ने इस पूरे एल्बम में जो साउंडस्केप यूज किया है, म्यूजिक में जो उनका विजन नजर आ रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर लग रहा है, ठीक है. एंड ये प्रूव करता है, ये एल्बम जीता जाता एग्जाम्पल है. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, हनी बाजी इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आउट देयर भाई. अगर मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन को रेट करना हो इस एल्बम के लिए, आई विल डेफिनेटली रेट 9 और 9.5 आउट ऑफ 10 फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन. आई लव द म्यूजिक ऑफ दिस एल्बम. ओके, हम लोग आ जाते हैं पूरे एल्बम पे. सो होल एल्बम वॉज रियली रियली डिफरेंट एल्बम, जो मैंने काइंड ऑफ एक्सपेक्ट किया था कि एल्बम बहुत ही यूनिक होने वाला है. बट हनी बाजी के टिपिकल हनी बाजी म्यूजिक से ये एल्बम बहुत ही डिफरेंट था. बहुत ही फ्रेश म्यूजिक, बहुत ही डिफरेंट वाइब हमें देखने को मिला है. ऐसे फ्यूजन्स देखने को मिले हैं जो शायद हनी बाजी ने इसके पहले कभी नहीं किए हैं. ऐसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन जो हमें हनी बाजी के साथ कभी इसके पहले देखने को नहीं मिले. दिस वॉज रियली एक्सपेरिमेंटल एल्बम. इस एल्बम से हमें ये समझ आ रहा है कि हनी बाजी जो है वो अपनी म्यूजिक को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए आर्टिस्ट के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. एंड इवेंचुअली जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, जब कुछ तुम डिफरेंट ट्राई करते हो, तो कभी वो वर्क करता है, कभी वो वर्क नहीं करता है. और एग्जैक्टली इस एल्बम में भी वैसा ही हुआ है. इस एल्बम के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बट कुछ ऐसे गाने भी हैं जिनको शायद मैं दोबारा नहीं सुनूंगा, ठीक है. जैसे मैंने बोला 6 AM, वो ट्रैक मुझे इतना बढ़िया लगा है भाई, मैं मतलब 2-3 दिन से जिम में वो गाना लूप पे सुन रहा हूं. इवन तलविंदर के साथ जो कोलैबोरेशन था, दैट ट्रैक वाज आल्सो रियली रियली गुड. एफ देम जो लियो पाजी के साथ कोलैबोरेशन है, उसकी वाइब मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी, दैट सॉन्ग वाज आल्सो रियली गुड. इवन मिलियनर जो हनी पाजी का वर्स था, हार्डकोर वर्स था, वाज रियली रियली गुड. लियो गरेवाल ने राइटिंग बहुत ही अच्छी करी है, हनी पाजी ने उसे बहुत अच्छे से डिलीवर किया है. बट अगेन एल्बम के कुछ गाने हैं जो बेटर हो सकते थे, जो मैं स्किप करना चाहूंगा, ठीक है. सो ओवरऑल दिस वाज अ गुड एल्बम, नॉट अ परफेक्ट एल्बम, ठीक है. सो फॉर मी आई विल रेट दिस होल एल्बम. म्यूजिक को तो मैंने 9 या 9.5 दे दिया है, ठीक है. बट पूरे एल्बम को, सारी चीज को देखते हुए, आई विल रेट दिस एल्बम 7.5 out of 10. So, तुम लोग इस एल्बम को कितना रेट करोगे, कमेंट इट डाउन. तुम्हारा फेवरेट ट्रैक इस एल्बम से कौन सा है? मेरा तो 6 AM है, ठीक है. तुम अपना बता दो कमेंट करके. बाकी तुम लोग एल्बम कैसा लग रहा है, कौन सा ट्रैक लूप पे सुन रहे हो, कमेंट इट डाउन. और अगर यहां तक वीडियो देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार. हम लोग 450,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है. लेट्स गेट देयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर.